हेलो दोस्तों परफेक्ट डेटा रिकवरी सर्विस एंड ट्रेनिंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों आगे के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से करप्टेड पेन ड्राइव को हम स्टेबिलाइजर से डेटा रिकवरी कर सकते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि जो आर स्टूडियो के अंदर जो हार्ड ड्राइव्स नहीं दिखती है जो सेक्टर वगैरह के रीजन से आर स्टूडियो को ओपन नहीं होने देता है इस तरह के हार्ड ड्राइव के लिए हम रैपिड स्पार हार्डवेयर का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम डेट हम कैश को सिंपली वन क्लिक किस तरह से डेटा को रिकवरी कर सकते हैं उसके वीडियो का आज मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ तो दोस्तों पहले मैं हार्ड ड्राइव्स को इस हार्ड्राइव्स को ऑलरेडी डायरेक्ट कंप्यूटर से डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट कर चुका था पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था जैसा कि अपने आगे के वीडियो के अंदर आज स्टूडियो को ओपन ही नहीं होने देता था इसी तरह उसी तरह की प्रॉब्लम इसमें भी आ रही थी और इसको मैंने किस तरह रेपिड स्पार के अंदर सिंपली डाटा को रिकवरी किया उसका मैं पूरा वीडियो आज मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ तो ये हमारा पाँच सौ जी बी यानी कि फाइव हंड्रेड जी बी इसका है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों जब तक टेक्स्ट लिखा जा रहा है तब तक से मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और पूरा एक साथ मैं आपको रीड करके पढ़ के आपको समझा दूँगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा जो अच्छी तरह से हम समझना चाहते हैं वो भी हमें समझ में आ जाए तो दोस्तों मैंने अभी पाँच सौ जी का सिगरेट का ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाया लगाया सो तो वो डिले डिटेक्ट ही नहीं होता था मगर माई कंप्यूटर में पीसी में जाके देखा तो वो दिखता था तो मैंने आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर में ओपन करने की कोशिश की तो वो आर स्टूडियो को ओपन नहीं होने देता था और पी को हैंग कर देता था अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको समझने का है कि यह हार्ड ड्राइवस में बेट सेक्टर है और आपको उसके लिए कोई हार्डवेयर टूल चाहिए रहेंगे ठीक है या तो वो रेपिड स्पार हो सकता है या एम हो सकता है या डी एफ एल हो सकता है या स्टेबिलाईजर हो सकता है जिस तरह की हार्ड ड्राइव है उसके रिलेटेड आप वो हार्ड ड्राइव को वो हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो हम वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं वी गो टू रेपिड स्पार यानी कि वही हार्ड हार्ड्राइव को मैंने जो डायरेक्ट पीसी में ओपन नहीं होने देता था उसको मैंने डायरेक्ट रेपिड स्पार में लगाया है और हम देखते हैं कि वो किस तरह से डेटा को रिकवर वन क्लिक के अंदर कर देता है मैंने रेपिड स्टार हार्डवेयर के अंदर वो लगाया है हार्ड ड्राइव सामने टारगेट टारगेट ड्राइव लगाया है और मैं उसको पावर ऑन करता हूं और उसको पावर ऑन करने के बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं मैंने उसका पावर ऑन किया मैंने नया न्यू 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 प्रोजेक्ट बनाया ठीक है दोस्तों जैसा ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट लगा लगा के आगे बढ़ाया तो यहाँ पर दे आप देख सकते हैं कि पूरा पाँच सौ जी का हार्ड ड्राइव समय डिटेक्शन में आ गया है यहाँ सीरियल नंबर या मॉडल नंबर सब कुछ हमें सही तरह से दिखता है यानी कि यह हार्डी हार्डवेयर की स्पेशलिटी है तो जो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड्राइव को ओपन नहीं होने देता है वो आप हार्डवेयर के अंदर लगाते हो तो आपको वो डेटा दिखाता है मैं वीडियो को आगे स्किप करता जा रहा हूं इफ द ड्राइव कनेक्ट टू पार्टीशन इज ओके सो। यानी कि हमने जैसे ही देखो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं ये पार्टीशन हमारे दिख गए हैं। उसके बाद वो पार्टीशन में हमें क्लिक करना है ठीक है यानी कि जो जो भी ये पार्टीशन हमें ओपन करना है उस पर हमें डबल क्लिक करना है ताकि वहाँ पर उसका जो पार्टीशन है वो रियल पार्टीशन हमें देखने को वर्चुअल पार्टीशन हमें देखने को मिलेगा यानी कि ये रेपिस पार्क का स्पेशलिटी है कि उसके साथ हमारे कनेक्ट करते हैं तो तुरंत हमें डेटा को देखने को इस तरह के केस के अंदर मिल जाता है रेपिश पार एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुपर डेटा रिकवरी टूल्स है जो खासकर बेट सेक्टर वगैरह के, के केस में हमें बहुत ही टाइम बचा बचाकर हमें डेटा को रिकवरी करने में सक्सेस रहते हैं दूसरा पार्टीशन पे आप इस तरह से देख सकते हो सभी पार्टिसन अच्छी तरह से ओपन हो चुके हो। ओपन होते जा रहे हैं रेपिस्पार खासकर नोट कर लीजिए पार फॉमवेयर को रिपेयर नहीं करता है बट वो क्लोनिंग और डायरेक्ट डेटा एक्सट्रेट कर, में करने के लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतर काम करता है बहुत टाइम बचा कर बहुत ही स्मार्टली काम करता है मैंने काफ़ी बार देखा है कि दूसरे टूल्स के अंदर जो वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आता होता है वो ये सिंगल क्लिक के अंदर आपको डेटा रिकवर करके दे देता है इस यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो रिकवरी करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं आपको बस सिंपल क्लिक के ओपन लोकेशन सिलेक्ट करके सिर्फ क्लिक कर देना है जिससे वो डेटा अपने आप रिकवरी करना शुरू कर देगा सिर्फ इतना सिंपल तर, सिंपल तरीके से आप डेटा को रिकवरी कर सकते हो जिसके अंदर बेड शक्टर वगैरह का प्रॉब्लम होता है और अगर आप डेटा रिकवरी फुली करना चाहते हो फुली सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जॉइंट करके आप बहुत अच्छी तरह डेटा के डेटा रिकवरी कर सकते हो हमारा तीन मोड ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर एक वीडियो मोड है एक ऑफ़लाइन मोड है और एक लाइव ट्रेनिंग है हम एम आर टी डी एफ एल रेपिड स्पार स्टेबिलाईज़र हरेक टूल्स का हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं ठीक है जो भी बंदे काफ़ी हमारे पास ऐसे बंदे आए हैं जो ऑलरेडी पहले एम आर टी परचेस कर चुके थे दूसरी जगह वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे पर वहाँ अनसक्सेस रहने के बाद एक साल बाद वहाँ पर हमारे पास आए तो वो बहुत अच्छी तरह से अभी डेटा रिकवरी कर रहे हैं तो जो कोई स्टूडेंट जिसके पास कोई हार्डवेयर अवेलेबल है तो वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम एम का वीडियो कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं शायद अब आगे के वीडियोस आपको एम के अंदर भी देखने को मिलेंगे और मिल सकते हैं और वो अप्रोक्स पूरा वीडियो कोर्स फिनिश होने आया है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम उसे भी लॉन्च करेंगे ऑलरेडी डी का वीडियो कोर्स तो हमारा है ही बहुत बढ़िया अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को हमने समझाया हुआ है तो जिसके पास डी है वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है जिसके पास एम है वो भी कोर्स जॉइन कर सकता है और रेपस्पार स्टेबिलाइज़र का तो हम वीडियो फ्री में ऑलरेडी यूट्यूब और कोर्स दोनों में अच्छी तरह प्रोवाइड करते ही है बहुत ही अच्छी तरह एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर किया है और हमारी मातृभाषा हिंदी के अंदर ही पूरा कोर्स हमने कवर किया है ताकि जिस जो ज़्यादा पढ़ा हुआ बंदा नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सके मैं खुद भी इतना कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ मेरा मैं आपको बताऊँ तो मैं भी सिर्फ बारह फेल हूँ मगर अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बेस पर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो आप भी हो सकता है कि आपको अगर मातृभाषा में बढ़ाया जाए तो आप एक एक पॉइंट के आधार पर आप अच्छी तरह समझ सको और इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है सिर्फ एक बार अच्छी तरह समझने से आपको बहुत फायदा हो सकता है थैंक यू वेरी मच